यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल वन विभाग के निचलोल रेंज में वन्य प्राणी सप्ताह एक बार फिर अंतिम दिन ग्राम गिरहिया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में मनाया और मुख्य अतिथि के तौर पर गो सदन अध्यक्ष तथा विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र पाल को बुलाया। कार्यक्रम विद्यालय परिसर में चालू हुआ। बच्चों सहित निचलोल वन क्षेत्र के सभी अफसर रेंजर तथा मुख्य अतिथि ने संपूर्ण गांव का प्रभात फेरी लगाया। साथ ही जहां बच्चों को वन संरक्षण के बारे में बताया गया, वहीं बच्चों में वाद विवाद कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें वन संपदा एवं वनों से जुड़े सवालों का जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई किया गया तथा यह शपथ भी दिलाया गया कि सभी पेड़ लगाएं, वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं। मुख्य अतिथि ने भी वृक्षों के संदर्भ में सनातन धर्म से जोड़ते हुए धर्मानुसार वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डाला और बच्चों की जीवन में उतरने का प्रयास किए। कार्यक्रम था ये वन विभाग द्वारा एक सप्ताह का वन्य प्राणी सप्ताह का कार्यक्रम संरक्षण का है। एक सप्ताह के कार्यक्रम में अंतिम दिन का कार्यक्रम है, जो माननीय क्षेत्राधिकारी निचलोल के नेतृत्व में आयोजित है। यह प्राथमिक विद्यालय गिरहिया में कार्यक्रम रखा गया है। यह विद्यालय माननीय विधायक जी ने गोद लिया है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। वन्य जीवों का संरक्षण करना यह हमारा कर्तव्य है। यह संदेश देने के लिए आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। क्या इस तरह का कार्यक्रम पुनः रखा जाएगा? यह कार्यक्रम सतत वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। फिर अगले साल यह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। तत्पश्चात वन क्षेत्राधिकारी निचलोल ने भी वनों के महत्ता, वनों के माने और वृक्षों की महत्ता को आम जीवन में तथा इकोसिस्टम के संदर्भ में बच्चों को बारीक से बारीक बिंदुओं को बताया और बच्चों से प्रश्न किए। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चला। बच्चों में मिष्ठान आमंत्रित किया गया और कार्यक्रम समाप्त हुआ। करके था मुख्य रूप से वन्य जीवों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, वनों को लेकर के बच्चों में जागरूकता। जनपद महाराजगंज के निचलोल से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।